ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे अब चल जाने। हैं ट्रेन पे यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे मालदा, वहाँ जाके हम लोग फिर फ्रांसिस को पिकअप करेंगे। यहाँ पे मास्क चोरी किया जा रहा है, उनसे मास्क मांग रहा है। तो यहाँ पे मास्क लेके मारा मारी हो रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा मास्क काहे नहीं दिया तुम लोग? यहाँ पे मास्क नहीं मिल रहा है, मास्क लेके नहीं आता, देख सकते हैं। मास्क लेके आए लेकिन नहीं बोला मास्क काहे नहीं लेके। मेरा मास्क लेके बोल रहा है अपना मास्क ये लोग। ठीक है फाइन दे देंगे। दो हम लोग अभी फरक्का गंगा क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा हम लोग मालदा में। और आधा घंटा लगेगा मालदा पहुँचने में, आधा घंटा बाद हम लोग मिलते हैं आपसे मालदा में सीधा। बाय बाय। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे मन हस। तो हे गाइस हम पहुंच चुके हैं मालदा, अब हम मिलेंगे फ्रांसिस से, तो आपको मिलते हैं सीधा फ्रांसिस के पास। काए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। आ चुके हैं मालदा, अब हम लोग मिलेंगे फ्रांसिस को, फ्रांसिस देखते हैं किधर है। देख सकते हैं हमारा चौथा मेंबर हमारे साथ आ चुका है, इसे हम खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। आधा घंटा दौड़ाया है यहाँ पे, देख सकते हैं ये फ्रांसिस। अरे ए, ए, कारे, कारे, देख सकते टोपी 500 का टोपी पहना, 200 का मास्क पहना और जैकेट का तो बात ही मत बोलिए। तो है मेरा वाला इसी से जाएगा गुड से। हाँ गुड। यहाँ तो मगन है मस्त, मगर अपना पबजी खेलने में, देख सकते हैं। किरने आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे। तो यहाँ टाइम पास के लिए पबजी खेला जा रहा है, क्योंकि ट्रेन अभी फिलहाल 2 घंटा और लेट है। हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। आ चुके हैं एनजेपी स्टेशन, अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं कैसे जाते हैं। यदि हम लोग बोलेरो मिल गया तो बोलेरो से चलेंगे, या फिर हम लोग स्कॉर्पियो मिला तो स्कॉर्पियो से चलेंगे। इससे 5 घंटा की जर्नी के बाद हम लोग आ चुके हैं एनजीपी। अब यहाँ से हम लोग का सफ़र शुरू होगा बाई 4-व्हीलर, यहाँ से हम लोग 4-व्हीलर से जाएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग गए एनजीपी स्टेशन में, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे। यहाँ से सफ़र स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही अलग लेवल का सफ़र होने वाला है, क्योंकि इस बार हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। पिछले साल हम लोग बाई 4-व्हीलर गए थे, बस इस बार हम लोग जा रहे हैं बाई बाइक। तो फिलहाल अभी हम लोग एनजेपी स्टेशन से निकल ही रहे हैं, यहाँ से हम लोग सीधा जाते हैं बाहर, उसके बाद वहाँ देखते हैं क्या सीन होता है, उसके बाद आपसे सीधा मिलते हैं हम। 5 घंटा मशक्क़त करने के बाद भी यहाँ हम लोग को गाड़ी नहीं मिल रहा है, गाड़ी का रेट सीधा 1000 बोला जा रहा है, पर पर्सन पर हेड 1900-1800 ऐसे बोला जा रहा है। देखते हैं बाद भाई क्या होता है, फिलहाल तो अभी कोशिश जारी है, देखते हैं यदि मिल गया तो फिर बढ़िया है, नहीं तो फिर लेट ही पे लेट हो रहा है, मजबूरी में जाना पड़ेगा, नहीं करते। चलिए मिलते हैं आपसे सीधा ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे टैक्सी, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कुछ ही देर में मजेदार बात, ये लोग अभी तक उल्टी नहीं किया है, गैंगटॉक पहुंचने वाला है, अभी तक ये लोग दोनों से कोई भी उल्टी नहीं किया है, पहली बार चमत्कार कर दिया है ये लोग, इसको भी देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे है, अभी तक उल्टी नहीं किया है, आज चमत्कार करके छोड़ेगा ये लोग दोनों। तो चलिए मिलके हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हम लोग फिलहाल रास्ते में ही हैं, देख सकते हैं, और ज़्यादा नहीं 40-50 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा गैंगटॉक। तो आपसे सीधा मिलते हैं गैंगटॉक में। बाय। तो
तो गाइस हम लोग यहाँ खाना आ चुका, आप देख सकते हैं चिकन थाली, अभी सब्जी आएगा, अभी देखिए हमारा चिकन थाली। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, बाय बाय। सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो। हालत पूरा पंचर हो चुका है, एमजी मार जाते जाते बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। गाइस टोटल 140 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अभी भी इतना बचा हुआ है, फिर उसके ऊपर ही बचा हुआ है, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। हालत बहुत खराब हो चुका है गाइस, मिलते हैं एमजी मार्ग में। तो गाइस देख सकते हैं ये है रात का भी, अभी फिलहाल रात का बज रहा है 11:30, ठीक है। ये देख सकते हैं एमजी मार्ग, चलिए आपको दिखाते हैं एमजी मार्ग। आरे 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 अब तो आ रही बारात, आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। गाइस भीड़ इसलिए कम है क्योंकि रात के बज रहे 11:30, थोड़ा 9 बजे तक यहाँ सब चीज बंद हो जाता है, इसलिए भीड़ अभी आपको कम दिख रहा है। नहीं तो कुछ देर पहले यहाँ पे इतना भीड़ था, पैदल चलने तक का जगह नहीं था, इतना ज्यादा भीड़ था। बोला जा रहे हैं अपने होटल, होटल जाके आपको दिखाते हैं सीधा अपना रूम, तो मिलते हैं सीधा होटल में, तब तक आप कुछ सीन्स देखिए। सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र। हम आ चुके हैं अपने होटल, आपको दिखाते हैं होटल का कुछ सीन्स। ये देखिए होटल का ऐसा कुछ नजारा, हम चलते हैं अपने रूम पे, आपको फिर दिखाते हैं अपना रूम। यहाँ गणपति बप्पा जी विराजमान है, गणपति बप्पा हमारे विराजमान है यहाँ पे। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं रूम। क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। ये है हमारा रूम, ये देखिए यहाँ पे दो बंदर सोया हुआ है, ये है बाथरूम। और ये है बालकनी, अभी अंधेरा है तो कुछ दिखेगा नहीं, आप दे सकते हैं।